1000 मुर्गी फार्म बच्चे में कितना लागत और कितना बेनिफिट होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये जो बच्चा अभी डाले हुए हैं ये है 30 रुपये का बच्चा। और दूसरा जो होता है कि इसमें जो फीड चलता है वो फ्री चलता है, बीच में चलता है स्टार्टर, उसके बाद चलता है फिनिशर। अब पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पहला सबसे बड़ा अभी का जो डेट में फार्म बनाना, अभी कम कॉस्ट में ये जो फार्म बना हुआ है मेरा कम कॉस्ट में बना हुआ है। तो ये लगभग हमने फार्म 30,000 रुपये में कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि सारा चीज़ अपना ही है, कहीं से कोई चीज़ खरीदना नहीं था, लेबर पेमेंट और ये सब वगैरह देना था। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगाए रखे हुए हैं। अभी जो इसमें डब्बा लगाया वो नॉर्मल चला रहा है, क्योंकि ठंडा का टाइम है तो इस समय ध्यान देना पड़ता है दिसंबर और जनवरी में। दूसरा नंबर बात है कि फीड पे, फीड का क्वालिटी आपका क्या, सब कंपनी कहती है कि फीड, मेरा फीड अच्छा है तो मेरा फीड अच्छा है, लेकिन फीड का जो है रिक्वायरमेंट सब कंपनी बेहतरीन ही बनाती है। ये नहीं कि मेरा कंपनी अच्छा बनाता है तो दूसरा का कंपनी ख़राब बनाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फार्म कितना मेंटेनेंस में है और कितना क्या। आप मात्र 30 दिन में ही, 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं। 1000 बच्चा पे मात्र 30 दिन में ही 1,00,000 रुपया कमा सकते हो। वो कैसे? तो ये जो मुर्गी का धंधा है ये एक तरह से शेयर मार्केट ही है। आपको मानना ही होगा कि शेयर मार्केट ही है। हमने पिछले लॉट में 1,00,000 रुपया कमाया था मात्र 1100 बच्चा में, 1,00,000। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 1000 बच्चा में 1,00,000 का है तो नहीं, 100 बच्चा में डैमेज हो गया हुआ था। सबसे बड़ा इशू रहता है कि ठंडा के समय में डालने पे टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, फार्म का मेंटेनेंस देखना होता है कि क्या आपका फार्म का गतिविधि है, कौन सा बच्चा का क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या कोई बीमारी आ रहा है या पानी नहीं दिनकर में आ रहा है, सारा समस्या रहता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक अभी तक जो हमने देखा है ये 3 सालों में कि फार्म 3 साल में आज तक हम एक ही बार लॉस में गए, वो भी शुरू में ही एक डीलर के ही कारण गए हुए थे, फीड पे वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट कर रहा था। तो आज हम बताएंगे आपको कि पोल्ट्री फार्मिंग कम खर्चे में आप बनाएं, आप उसमें बांस का प्रयोग करें, मतलब जितना कम में फार्मिंग तैयार कीजिए वो आपका बेनिफिट है। दूसरा फीड के जो मामले में आता है, आप किसी भी कंपनी को खिला सकते हैं। हम खिला रहे थे स्काईलर, उमंग, महाराष्ट्र फीड, मतलब अनेक प्रकार का फीड हमने चलाया है। उसमें यह है कि सारा फार्म का मेंटेनेंस पे ही रहता है। और अभी जो मंडी में सबसे ज़्यादा सेल है वो अभी 2 केजी का ही है, इससे पहले स्टैंडर्ड साइज का था। स्टैंडर्ड में हम 30,000-40,000 कमाते थे। तो फिर देखे कि जब मार्केट इसका पकड़ लिया 2 केजी का, मेन है कि जो इस रेट अप डाउन होता है ना उसमें फार्म भाई जो भी फार्मिंग करते हैं किसान भाई वो हड़बड़ा जाते हैं। तो उनको हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि उनके पास पूँजी भी नहीं है ना, ये भी एक क्वेश्चन है कि पूँजी नहीं है। तो इसमें भी स्वाभाविक बात है कि किसान भाई जो भी हमारे हैं वो हड़बड़ा जाते हैं। तो आप एक्स्ट्रा में कुछ पेमेंट लेके ही चले ताकि बाद में आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद 2 केजी के ऊपर आप जाते हैं तो वो बेनिफिट ही, क्योंकि आपका जो पर बट का जो खर्चा है, मान लीजिए कि आपका मेरा खर्चा आ रहा है 85 रुपये, तो जैसे ही 2 केजी क्रॉस करेगा तो खर्च डाउन होते चला जाएगा। मोर्टलिटी भी रहता है, मोर्टलिटी कितना, हार्डली 50 या 60, या शुरू में जो डेट कर गया बच्चा, जो ठंडा के टाइम में है अभी तो नॉर्मली बात है कि डेट करना ही है उसको, तो कहीं से दिक्कत नहीं है। और फार्मिंग में सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में लोग सोचता है कि बस सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, शाम 1 घंटा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको फार्म में रहना ही होगा और लगभग मान लीजिए कि 9 से 6, जैसे कंपनी में आप एक काम कर रहे हैं उसी यहाँ का सिर्फ बैठना है आपको, ताकि आपको पता चले कि उस फार्म में टेम्परेचर कितना है, कौन सा बर्ड खा रहा है या बैठा हुआ है, उसको क्या दिक्कत है। अब गर्मी में लोग कहता है कि लू मार दिया, यानी फार्म पानी जो है गर्म हो जाता है तो कहाँ से बच्चा पिएगा, नहीं तो हीट स्ट्रोक अवे करेगा।
मेन मुद्दा है कि फार्म का दिशा, हमारा जो ये फार्म है ये उत्तर और दक्षिण की ओर है, इसका सीधा धूप फार्म के अंदर आता है, पूर्व और पश्चिम दोनों। लेकिन इसमें एक और भी फायदा है कि इससे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अगर बच्चा बेच देते हैं, मुर्गा सयान हो जाता है तो आप बेच देते हैं, तो कुन्नी उसको हटाइए और स्प्रे कीजिए। फार्म को ज़्यादा दिन गैपिंग नहीं देना होता है, यही एक ही बेनिफिट है, बाकी ये बारिश हो या धूप हो और या ठंड हो, तीनों इसको झेलना पड़ता है। तो मेरा राय है कि पूर्व और पश्चिम से ही बनाए। सभी किसान भाइयों पहले से ही पे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो अभी रिसर्च कर रहा है, अभी फ़िलहाल एक और रिसर्च कर रहा है जो पुराना ही कुन्नी पे नया बच्चा डालते हैं, उसको सारा प्रक्रिया चुनना और स्प्रे और फिर चुनना, मतलब दोबारा चुनना देकर उसी पे बच्चा को ब्रूडिंग करना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी एक बेनिफिट है कि आपको कम लागत में कुन्नी भी, कुन्नी कम से कम एक फार्म में 2000 का लगता है, उसका मेडिसिन 1200 से 1300 का, बिजली भी लग जाता है, मतलब पूरा जो सारा चीज़ है ये टोटल लग जाता है। और मेन है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब माल आपका तैयार हो जाता है तो बेचने का, जिस हिसाब के एरिया में आपके पास फार्म है वहाँ पे पहले से कोई फार्म है तो उनके कॉन्टेक्ट में आप टाई अप उससे हो जाइए, यानी जुड़ जाइए उनसे और उनके माध्यम से आप बेच सकते हैं, फिर अपना एक पकड़ बना लीजिए और माल आपका सेल हो जाएगा, मतलब बेचने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप नए हैं तो पहला क्वेश्चन यही रहता है तैयार करने के बाद कि मुर्गा को आखिर बेचे कैसे, जब तैयार है तो बेचना कैसे है। और जो नए हमारे फार्मर भाइयों हैं वो देखते हैं कि हम फार्म बनाए कैसे और उसमें बच्चा डालेंगे कहाँ से, कहाँ से फीड आएगा, कहाँ से मेडिसिन आएगा, कहाँ से उसका डिंकर आएगा, कहाँ से फीड का दाना आएगा, तो ये सारा समस्या उनके पास रहता है। और ये पुराने फार्म वाले के पास जाते हैं तो ये लोग सही बताएंगे नहीं, तो इस माध्यम से हमारे वीडियो के माध्यम से भी वो जान सकते हैं, नहीं तो हमारे से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ताकि वो आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा। आपके दाना का प्राइस भी हम लोग का कम पड़ता है, हम लोग का कॉस्टिंग मात्र 84 रुपये 75 पैसा ही आता है 2 KG करते हैं तो हम लोग 30 दिन में 1 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। आपका अगर बुरा समय है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुरा समय आप ही के लिए नहीं, सारे फार्मर भाइयों के लिए, जब रेट गिर जाता है, जैसे सावन हो गया उसमें रेट गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पूंजी भी नहीं रहता, रेट गिरता है 70 रुपये 75 रुपये, तो इसमें आपको नुकसान होना ही है, ये हर हालत है। नुकसान 100% आपका नहीं, सबका होता है इसमें, तो सारा चीज़ ये अगर आप एक समान से देखिएगा तो एक बेनिफिट भी है, लॉस भी है और मुनाफा भी है। कभी कभी आपको ये 3 से 4 लॉट बढ़िया दे देती है, 4 लाख 3 लाख रुपए आपको दे देगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2-3 लॉट है जो उसमें थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है कि हो सके पूंजी टूटता है, लेकिन हम लोग में पूंजी नहीं टूटता है, इसलिए कि हम लोग का दाना का प्राइस ही कम है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट दाना उठाते हैं, उसका गाड़ी भाड़ा किराया लगता ही है। तो ये जो समस्या है सभी फार्मर भाइयों के पास है आज के भी डेट में, जहाँ पे डीलर है वहाँ पे फार्मर भाइयों को लूटा जा रहा है एक तरह से कहा जाइए, तो उनको परसेंट देना पड़ता है। मान लीजिए जो बोरा का दाम है 1900 रुपया, वहाँ लेता है 2300 रुपया प्लस गाड़ी भाड़ा भी, तो ये कहीं ना कहीं लूट रहा है। और दूसरा नंबर कि नए फार्म है, जो भी नए फार्म खोल रहे हैं तो उसमें दिक्कत ये है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जिन पे वो ब्लेम, मतलब जिन पे वो विश्वास कर रहे हैं, वो बाद में वो कुछ ऐसा करते जो आप अलग ही चले जाए। तो ये गौर कीजिए, डायरेक्ट आप कंपनी से ही जुड़िए, या बच्चा को हो या बेचना हो तो डायरेक्ट ही बेचिए, या फीड लेना हो तो डायरेक्ट कंपनी से लीजिए, मेडिसिन लेना हो डायरेक्ट दुकान से जो मेन ऑथोराइज है उनसे लीजिए, ये आपको हर ज़िला में आपको मिल जाएगा। तो हमारे इसी जानकारी के लिए जुड़े रहें, पोल्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन तरीका कम खर्चे में कैसे
तैयार हो, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।